मेरे चैनल एट द रेट ऑफ देवांशी तिवारी में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लेके आए हैं संडे स्पेशल पालक की सब्जी। ये सब्जी कुछ अलग स्टाइल में बनेगी, तो आइए बनाते हैं हम आज की अपनी पालक की सब्जी बिल्कुल नए स्टाइल में। अब पालक की सब्जी बनाने के लिए हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे चॉपर की मदद से। मेरे पास ये इस तरह का चॉपर है, ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। और बस पालक को ऐसे फोल्ड करिए, इसमें फंसाइए और ऐसे बिल्कुल 5 मिनट में सारी पालक मेरी बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में कट के तैयार हो जाएगी। पालक हमारी कट चुकी है, मैंने आधा किलो तक की पालक ली थी। पहले इस पालक को मैंने साफ कर लिया था और साफ करने के बाद पानी से धुल लिया था, थोड़ी देर रख के फिर इसको काट लिया। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच भर के बेसन। बेसन अभी 4 ही चम्मच डाल रही हूँ और अगर जरूरत लगी तो फिर और डाल लेंगे। मिक्स करने पे जैसी कंसिस्टेंसी इसकी जितने पे सही आएगी। अब हम डाल लेंगे इसमें नमक। नमक अभी मैं थोड़ा ही डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद डालेंगे थोड़ा सा जीरा, लगभग 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी डाल लेंगे हम इसमें अजवाइन। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच आमचूर पाउडर, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, और ये मैंने ग्रेट करके रख लिया था अदरक और लहसुन। इसको आधा मैं इसमें डाल दूंगी और आधा मैं ग्रेवी में यूज करूंगी। तो लगभग ये 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ और आधा मैंने रख दिया है अपनी ग्रेवी के लिए। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इंग्रेडिएंट्स का मेज़रमेंट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि पालक हमारी बिल्कुल हाफ हो गई है मिक्स करने के बाद बेसन। अब बाइंडिंग तो सही आ रही है इस तरह से। ये इस तरह से गोलियां बननी चाहिए, ऐसे करके फेंट लेंगे ताकि बेसन थोड़ा उठ जाए और हमारी जो पकौड़ियाँ बनेंगी बेसन की वो थोड़ी सी सॉफ्ट बने। मैंने इसमें लगभग 1/3-4 कटोरी बेसन ऐड किया है। अभी हम बॉईल किए हुए पानी में इनको डाल के देखेंगे, अगर ये फैलती हैं तो इसमें थोड़ा बेसन और ऐड कर लेंगे। मैंने इस पैन को चढ़ा दिया है, इसमें आधा पानी भर लिया है और ये पानी बॉयल हो रहा है। जब ये पानी खूब अच्छे से बॉयल होने लगेगा तब आज हम बनाएंगे इसी में अपनी पालक की पकौड़ियाँ। आज पकौड़ियाँ तेल में नहीं पानी में तली जाएंगी। पानी बहुत अच्छे से खौलने लगा है, अब हम इसकी पकौड़ियाँ बना के जिसे हम ऑयल में डालते हैं बस वैसे ही इसमें डाल देंगे। अभी थोड़ा सा बेसन कम है, पकौड़ी हमारी ये फैल गई है। अब हम 2 से 3 चम्मच बेसन और मिलाएंगे। हमने पानी को छाना नहीं है क्योंकि अभी इसी पानी को हम ग्रेवी में यूज़ कर लेंगे। और अब मैं पकौड़ियाँ इसमें डाल रही हूँ, अब मेरी पकौड़ियाँ नहीं फैल रही हैं, तो बस इसी तरह से खौलते हुए पानी में हमको पकौड़ियाँ बनानी है और कम से कम 2-3 मिनट तक पकानी है ताकि ये अंदर तक पक जाएं।
हमारी पकौड़ियाँ लगभग हो चुकी हैं और अब ये देखिए ऊपर आ रही हैं। इस तरह से बनेंगी ये पकौड़ियाँ, ऐसे ये पकौड़ियाँ ऐसे पक जाएंगी। जब हम इसमें ऐसे चाकू डालेंगे तो ये बिल्कुल क्लीन हमारा चाकू बाहर निकल आएगा। पर ये देखिए कितनी एकदम सॉफ्ट बनी है, अगर मैं ज्यादा इसको दबा दूंगी तो ये टूट ही जाएगी। आधा किलो पालक में एक कटोरी बेसन लग जाएगा और अच्छी बाइंडिंग आएगी, बहुत ज़्यादा बेसन बेसन भी नहीं लग रहा है और ये बिल्कुल से एकदम से सॉफ्ट बनी है। और ना कि सिर्फ आप इनको सब्जी बना सकते हैं, आप इनको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। जब ये ठंडी हो जाएंगी, ये थोड़ी सी गर्म है तो ये लिबलिबी सी लग रही, गीली गीली सी लग रही हैं। जो सूख चुकी, ठंडी हो चुकी हैं, ये नीचे वाली हमारी है, ये देखिए बिल्कुल ऐसे सूख गई है, ड्राई हो गई है। और इन्हें हम थोड़ा सा ऑयल लेके उसमें मस्टर्ड सीड्स डाल के, करी पत्ता डाल के फ्राई करके एज अ स्नैक भी खा सकते हैं। आज मैं फ़िलहाल सब्जियां बना रही हूँ, फिर किसी दिन आपके साथ पकौड़ियों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। पकौड़ियाँ हमारी पक चुकी हैं और अब हम बना लेंगे अपनी सब्जी की ग्रेवी। तो इसके लिए मैं 4 टेबल स्पून ऑयल लूँगी। मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। तेल से धुआं आने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे 1 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा। जीरा भी तड़क गया है, यहाँ पे आप साबुत लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं नहीं डाल रही हूँ इसमें क्योंकि मेरे यहाँ बहुत स्पाइसी खाना नहीं खाया जाता है। मैं कश्मीरी मिर्च डालूंगी। अब हम इसमें अपने प्याज को डाल के भून लेंगे। प्याज हमारा हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच। हल्दी पाउडर डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 2 टमाटर भूसे हुए या पीस के भी डाल सकते हैं। गैस को स्लो कर देंगे और टमाटर को पकने देंगे। मैं डाल दूंगी इसमें नमक, ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया पाउडर 2 चम्मच, 1 चम्मच तंदूरी मसाला, 1/4 चम्मच तंदूरी मसाला नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, वैसे इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसके बिना भी टेस्ट अच्छा ही आएगा। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। ये मसाले पक गए हैं, ग्रेवी ने ऑयल छोड़ दिया है, अब इसमें डालेंगे पानी। हम उसी पानी का यूज करेंगे जिसमें हमने अपनी पकौड़ियाँ बॉईल की थी। ये सारा ही पानी हम यूज़ कर लेंगे क्योंकि अभी ये पकने के बाद जो है गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि इसमें बेसन मिक्स है। बस ये हमारी ग्रेवी तैयार हो गई, अब इसमें हम बॉईल आने देंगे। ग्रेवी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं और ग्रेवी पक गई है, और मैं यहाँ पे गैस जो है वो उसको
हाई कर दूंगी गैस की फ्लेम। अब मैं इसमें अपनी पकौड़ियां डाल दूंगी। पकौड़ियाँ डालने के बाद हम इसे लगभग 5 मिनट तक और पकाएंगे, जिससे पकौड़ियों के अंदर रसा भर जाए और सारे फ्लेवर्स आ जाएं। अब मैंने गैस ऑफ कर दिया है। अब मैं इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी क्रश करके और डाल दूंगी। अब हम इसको गर्मा गर्म सर्व कर देंगे। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करिए, मुझे खूब सारा सपोर्ट करिए, वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक यू, और इस संडे ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिए।